क्या आंटी, नाम शांति फिर भी अशांति फैला रही हो। ए, वो मेरे बहू बेटे हैं। मैं उन्हें गाली दूं या गोली दूं, उन्हें टॉर्चर करूं या उनका हाथ फ्रैक्चर करूं, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? हाँ अरे आंटी, वो अलग रहना चाहते हैं, रहने दो ना। क्या बोला, अपना मुंह संभाल कर बात कर। मैंने उन लोगों से दहेज में पेट्रोल मांगा तो बाइक दे दी, पेट्रोल कौन भरवाएगा इसका बाप? अब तो मैं इसे चैन से नहीं जीने दूंगी। अच्छा, आंटी का ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिगड़ गया है, मुझे थोड़ी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। बाकी लोग अपने घर में जाओ, चलो चलो निकलो, कल्टी कल्टी लो, चलो निकलो यहाँ से। आंटी नाश्ते में कुछ खाएंगी? नहीं मुझे भूख नहीं है। तो थप्पड़ी खा लो स्वीट समझ कर। क्या कैसा लगा, शक्कर कम है कि ज्यादा? दूसरों को थप्पड़ मारने का बड़ा शौक है, अब खुद को पड़ा तो कैसा लग रहा है? मीठा खा लिया, अभी तीखा भी खाएगी क्या? चले अबे लुखे, हरिया 16 तारीख तक जमीन तेरे नाम कर देगा, 15 तारीख तक रुकना मिल जाना चाहिए। उसे गर्मा गर्म कड़क कड़क नोट दे देना, नहीं तो तुझे जमीन में आधा गाड़ूंगा, सर के बाल मुंडवाऊंगा, स्वर्ग लोक का ठप्पा लगाकर ट्रैक्टर से चपटा कर दूंगा, समझा? भाई अपना IQ कमजोर है, कुछ समझा नहीं? तो बेटा बादाम खाया कर, 15 तक कैश नहीं मिला तो तेरा IQ क्रैश कर दूंगा। स्वामी टेंशन मत लीजिए देवी जी, टेंशन तो गुंडों को होगी। मगर इलियाना कहाँ है और क्या कर रही होगी? ड्राइविंग, अपनी गाड़ी स्वयं धोती है। आहा। Grand Hotel. That is on which street? You know the street? Yeah, I know. Okay, come on. You are so beautiful. Sabhi kehte hain. 1000 baht? No. 2000 baht okay? Abe, thai dal bhat. खानी है तेरे को दाल। तेरा मीटर तो गाड़ी से भी तेज भागता है। इसको मुंह मांगी रकम दे रहे हो, मुझे गोल गोल घुमा रहे हो। मीटर खराब है, मैं पैसे कोई नहीं देता। पैसे नहीं देगा, साले फोकट में सवारी करेगा। मैं नहीं देता। जा। तू क्या, तेरा बाप भी देगा? बीवी से झगड़ा करके आता है, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। निकाल पैसे, निकाल। ले फड़। तो आगे तो ले फड़ और चला। साला। इन दोनों का कोई नहीं है, इसलिए ये दोनों किसी की नहीं है, खुद से ही चैटिंग करते हैं। सारे उल्लू बैंकॉक ही उतरते हैं, बीवी को मैसेज से खुश करते हैं और यहाँ आकर मसाज कराते हैं। तू आर्या का मैटर तो अपन ने सेटल कर दिया, अब शर्मा का करना है। मगर शर्मा इतना शर्मा रहा है कि मैटर कैसे सुलझाऊं समझ में नहीं आ रहा है। अरे अपनी ही बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म, मैं कल कॉल करके बोल दूंगा। अरे अगर तेरे को नहीं जम रहा है तो मैं तो इस फील्ड में एकदम न्यू कमर है, होगा ही नहीं। क्या सेटलमेंट केस है शे? बस अगले महीने की EMI दे दूं तो बैंक का लोन भी खत्म हो जाएगा, फिर कार भी मेरी और पैसे भी मेरे। तो देखा आपने, ये दोनों बिना सहारे अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। स्वामी मेरी एक छोटी सी इच्छा है। और वो क्या है? मैं इन दोनों को एक दूसरे से मिलाना चाहती हूँ। वो कैसे? वहाँ थाईलैंड में देखिए, ये पृथ्वी का सबसे फास्ट फॉरवर्ड स्थान है, जहाँ मानवों की लाइफ फास्ट फूड खाने से और फास्ट हो गई है। यहाँ सभी लोगों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा है, मगर फिर भी वो भीड़ में अकेला खड़ा है और दूसरों को अपने पैर पर खड़े होने नहीं दे रहा है। स्वामी यहाँ वहाँ मत देखिए, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बिना बारिश या धूप के छाता लेकर निकलने वाला अकेला प्रसाद हमेशा केला प्रसाद समझकर खाता है। अकेला तो केला खा रहा है। हाँ देखिए कैसे दोनों अनाथ मिलेंगे, वो भी इस केले के छिलके के कारण। लक्ष्मी जी मुझे स्लो मोशन दिखाइए, मैं आपकी आंखों में खो गया था, मैंने मिस कर दिया। केला किसी क्रिकेट गेंद की तरह उछला और वो गया केला बाउंड्री के पार, लेकिन वहाँ पे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं।
ट्वेल्थ मैन बिना बैटिंग के आउट हो जाएगा। और ये रिटायर, ये गिरा। क्या कर रहा है? ए, तू मेरी बेटी को रोज एसएमएस क्यों करता है? साले तेरा एमएमएस प्रॉब्लम होगा। तेरा हंसते बात कर रहा है। एक्शन शुरू। ओए, तेरे कान में क्यों दर्द हो रहा है? बात करने में परेशानी हो रही है। अच्छा ऐसा, तुझे बाद में गाली देता हूँ। तुम रुको जरा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या बोल रहे थे तू? क्या कर लेगा तू? भी यहीं पे खड़ा रह। अरे क्या कर लेगा तू? पब्लिक में क्या बोल रहे थे? इसकी धुलाई तो ऐसे हो रही है जैसे कि ये मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया। लगा झटका। यारे, तुझे लगा हिंदी फिल्मों की तरह लड़की से टकराएगा तो लड़की बच जाएगी? तू औरतों की इज्जत करना सीख, वरना अंधा बन के रास्ते पे मांगेगा भीख। कितना मांग रही है भाई? आदमी से ज्यादा सब्जी का रेट हो गया। ये तो 2000 रुपए मांग रही है। क्या करूँ मैं? तुम कुछ करो, नहीं तो बहुत पड़ेगी। एड्रेस बोल। हाँ, सब्जी मार्केट फर्स्ट राइट। ठीक है, आता हूँ। बैटिंग का पर्दाफाश होने की वजह से पब्लिक बीच सड़क पर ही टाइटिंग कर रही है। लिफ्ट प्लीज। बोलो। मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर वहाँ छोड़ देंगे प्लीज? क्यों नहीं? ओह स्वीट। बस बस बस, यही रोक दो, यही रोक दो। थैंक्स। यू आर वेलकम। तुम्हारी चेन को मैं हाथ लगाऊं? लगाओ ना। लगाती हूँ रे। मोरनी नहीं चोरनी। कहीं लगी तो नहीं? नहीं, दिल में लगी है। वाह, बोलो तो दवा लगा दूं? जल्दी लगाओ ना। तो आज रात फिल्म देखने चलोगी क्या? पर कॉर्नर की सीट नहीं मिली तो इतनी देर तक फिल्म कौन देखेगा? तो अब कहाँ चले जानू? बड़े भाई, आज तुम्हारा रूम खाली है क्या? नहीं रे, पता है ना मकान मालिक कितना कमीना है। प्लीज यार, बहुत अर्जेंट है। तेरी वजह से जितने मैं घर बदलता हूँ उतना तो गिरगिट भी कलर नहीं बदलता। यार लड़की बहुत हॉट है। तो क्या उसे बुखार है? नहीं यार, बस आखिरी बार। यार तू उस कमीने बुड्ढे खूसट को नहीं जानता। उसकी एक्सपायरी डेट पास आ गई है, तब भी वो माँ का लाडला पैसों का बहुत ज्यादा भूखा है। भिखारियों की तरह रेंट मांगता रहता है। सर आप, मैं बस आप ही को याद कर रहा था। आशीर्वाद दीजिए सर। सॉरी सर, मैं आपको देख नहीं पाया। अचानक कैसे सर? तुम्हें पता है रूम कब खाली करना है? बताता हूँ, सिर्फ 2 मिनट। फिर से सॉरी सर। Drop the gun. Bandook fek. Hilna mat. Nahi to bheja uda dunga. Ye laga shot aur football seedha haath ke upar. Mere hands to upar hi the aur kya upar karna tha? देख उसको सर, मर गया सर। मर गया? क्या गिरा था ऊपर से? फुटबॉल सर। फुटबॉल सर, ये प्रकाश राज का लेफ्टिनेंट था। पहली बार आपने बहुत अच्छा काम किया सर। आपका प्रमोशन और पब्लिसिटी दोनों साथ में मिलेगी सर। वो तो ठीक है, लेकिन प्रकाश राज जान गया तो जान ले लेगा मेरी। प्रकाश राज, जैसे हमारे ब्रह्मलोक में राक्षस विलेन होते हैं, वैसे ही धरती पर सबसे बड़ा राक्षस है ये पापी मनुष्य। ये राक्षस तो है पर थोड़ा फनी, थोड़ा भुलक्कड़। ये अपने नाम के विपरीत काले साम्राज्य का गॉडफादर है। भाई मछली मार रहे हो? हा? कौन हो तुम लोग? अच्छा मछली खरीदने आए हो, ठीक है। प्लीज प्लीज, मछलियों को डिस्टर्ब मत करो, बेचारी भाग जाएंगी। बीवी बच्चों ने मछली मांगी, घर में खाने के वादे। अगर आज मछली नहीं ले गया तो मेरी बीवी मुर्गा बना देगी। प्लीज प्लीज साइलेंस, प्लीज प्लीज प्लीज। आपके बच्चे कहाँ से आ गए?
अभी तो आप कुंवारे हैं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। मेरा नाम ज्योति है, आप प्रकाश राज हैं। आप बहुत बड़े डॉन हैं और ये सब आपके फंटर हैं। किसी ने सैंडी को मार दिया है। अरे मुंह क्यों लटके सबके? सैंडी का एनकाउंटर हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? सही बोल रहा हूँ भाई। किसने किया? इंस्पेक्टर कड़क सिंह यादव। तो कड़क जिंदा है अब? हाँ भाई जिंदा है। पता है सैंडी मेरा कौन था? दाहिना हाथ। तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, आधे घंटे के बाद टीवी ऑन करूंगा। टीवी के हर चैनल पर उस इंस्पेक्टर के मरने की खबर आनी चाहिए। आधा घंटा। कड़कू, आजकल मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पब्लिक के बीच इस तरह अकेले नहीं घूमना चाहिए। फालतू बकवास मत करो, पब्लिक की हिफाजत मेरी ड्यूटी है। मैं गैंगस्टर से डर जाऊं? दरवाजा तोड़ेगा क्या? रवि तेजा तुम ही हो ना? अभी तक तो हूँ। मैं और मेरी फैमिली खतरे में है। क्या हुआ? मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा, ऊपर से बॉल गिरा और बंदूक चल गई। हाँ? तुमने तो बोला था एनकाउंटर किया है। मुंह बंद रख। देखिए, प्रकाश राज आजकल बैंकॉक में है और कहाँ रहता है उसका पता मुझे नहीं पता। तुम्हें उसके पते तक पहुंचकर इस मैटर का चैप्टर क्लोज करना होगा। ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। उसे जितना चाहिए दे दो, तुम्हारा भी हिस्सा दूंगा। बस मेरी जान बचा लो। इनकी जान मैं हूँ। एक के साथ एक फ्री है। दोनों को बचाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, 20 लाख चल जाएगा। 30 लाख दोगे तो माँ की भी जान बचा लूंगा। मगर तुम्हें अभी जाना होगा। अभी? हाँ।